और जो नामजिन और जिना तो जब ये तैन की रिएक्शन देखते तो फिर ना वो स्माइल करते और फिर ना बिल्कुल दोनों ने एक एक चेस्ट पे ना उसके अटैक कर देते और जो तैन को तो बस अपना हेड पीछे फेंकते और फिर ना अपने फेस को ना जोर से ना अपने हाथों में ही दबाने लगते हैं। उसको ना बहुत ज़्यादा प्लेज फील होता बिकॉज फर्स्ट तो उसके बेबीज और अब उसके बिग बेबीज एक तरह से उसको इस तरह से कर रहे थे और फिर ना बस वो अपना माइंड खोता जा रहा था और ना जो जिन्हों नाम जिन्हों तो वो ना बाइट कर वो ना उसको बाइटिंग कर रहे होते कंटिन्यूसली और सब किए जा रहे थे उसको मिल फिर तो ना पीछे पीछे जगह फिर ना वो बोल रहे थे बेबी तुम्हारा मेरे बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो फिर ना इसे ना जो उसको ना बहुत अजीब फील हो रहा था तेन को फिर उनको रुकने के लिए बोलता है तो फिर वो नहीं रुक रहा था। तो फिर ना वो तो ना चिल्ला के और ना चिल्ला के बोलता है कि अगर ना मेरे बेबी इसके लिए दो ना बचा ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरह बोलता है और जोर से चिल्ला के बोलता है बिकॉज अब उसको गुस्सा आ गया था। वो एक पॉजिटिव मदर बन गया प्रोटेक्टिव मदर बन गया तो इस वजह से ना इस तरह का हो गया था। तो फिर ना दोनों ये समझ पा रहे थे और वे कहते हैं ओके ओके बेबी था गुस्सा ना करो ये कह ना वो पीछे हो जाते हैं दोनों के ना लिप्स पे ना हल्का हल्का ना जो तेन का ना मिल्क था तो लगा होता तो फिर ना जो तेन होता है उसका थोड़ा फेस रेड हो जाता है और फिर अपना आंखों ना ब्लैंकेट से छुपा लेते हैं। तो फिर दोनों स्माइल करते हैं फिर ना तेन के ना एक जो नाम चुन तो वो उसके ना लिप्स पे आके किस करता है और उसकी नेक पे और जो सॉरी जो जिना तो वो आते हैं उसके ना उस पर वो भी उसके आईज पे चिक्स पे लिप्स पे और फिर उसके शोल्डर्स पे किस करते हैं। तो फिर ना जो तेन होता है वो ना अपने फुल अपनी बॉडी वो ना अपने फेस तक को बिल्कुल अपने हेड को ना उस पर ब्लैंकेट पर छुपा लेते और फिर ना उसकी ये क्यूट का एक्शन को देखे ना वो स्माइल करते और फिर उस टाइम पे ना वो ना दोनों बेबीज की तरफ देखते और ना एक जो बेबी गर्ल थी वो ना थोड़ी थोड़ी ना जिनकी तरह लगती थी बट ना उसका जो स्माइल थी वो बिल्कुल ना तेन की तरह थी और जो बेबी बॉय था उसकी ना जो आईज थी वो तेन की तरह थी और बाकी जो उसके ना जो स्माइल थे वो नामजुन की तरह थे। तो इतना वो देखते और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर इसके बाद हम टाइम स्किप करके देखते हैं मीन्स 10 ईयर्स बाद कब जहाँ पे जो तेन था वो ऑलरेडी फिर से प्रेगनेंट था और इस टाइम वो ट्वेन बेबी गर्ल से प्रेगनेंट था और वो 5 मंथ्स प्रेगनेंट था और ये सेकेंड टाइम की प्रेगनेंसी थी। मीन्स अब जो उसने फर्स्ट टाइम जो बेबीज दिए थे तो उसके बाद मीन्स अब वो 26 का था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था बिकॉज वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से अब फर्स्ट तो वो अपनी ना वो स्टडीज कंप्लीट करता है और उसके बाद फिर अपनी मेहनत पे मीन्स अपना हार्डवर्क करके ना वो अपने नाम कमाते और इस टाइम वो एक फेमस ना साइकोलॉजिस्ट था और वो खुद ही एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था स्टार्टिंग से और वो खुद भी बहुत ज़्यादा ना फेमस था और फिर ना वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके हस्बैंड भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और इधर हम देखते हैं कि जो तेंग है वो और फिर से अपने ना उस पर अपने हस्बैंड्स पे ऑर्डर चला रहे और वो उसके हस्बैंड से उसको अच्छे से फॉलो कर रहे और तेंग के साथ उसके दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं और जूहान दोनों बैठे हैं और वो भी ना अपने फादर्स पे ना वो चला रहे हैं मीन्स ऑर्डर दे रहे हैं उनको कि ना फादर ऐसे करो मदर को ये चीज़ तो सही आप ऐसे करो ऐसे करो। और वो 10 ईयर्स के थे और दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसे तो बस ना स्माइल का फर्क था बाकी सारा एक जैसे ही वो लगते थे। तो ना वो हंस रहे थे और जो तैयार होता है वो ना उनके ना कान में बोलते हैं कि ना तुम्हें बताए मुझे ना ये बिल्कुल भी ये चॉकलेट केक ना इस तरफ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मेरा ना स्ट्रॉबेरी केक खाने का दिल कर रहा था बट अब ना चॉकलेट केक का नाम सुन के ना वो भी दिल नहीं कर रहा बस तुम्हारे फादर को तंग करने के लिए कह रहा था। ये सुन के ना उसके ना जो दोनों बच्चे होते हैं वो ना अपने फेस पे ना हाथ रख कर के ना हंसने लगते हैं फिर जो तेंगे तो वो भी हंस रहा था और फिर ना जो नामजिन कहते ओ तुम हमारे बेबी ने ये केक नहीं खाना सिर्फ हमें तंग करने के लिए कह रहे थे। फिर ना जो तेंगे होते हैं जो वो शौक हो जाते और पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर ना जो ना होती है तो ना ये सारी बातें ना वो ना दोनों सुन लेते और फिर ना जो
Tengo tu boca seguida. Ah, nem assim, né? Tu saca, né? Também tu sabe que bebês quando cochicando aqui, cochicando. Tu fica até, oh, achei, tu. Unke fathers को थका हुआ देख के उनके बेबीज को हंसी आती है, वो खुश होते हैं. तो फिर जो ना वो दोनों उसके बेबीज होते हैं, तो फिर ना जीना नामजिन को देखे ना वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे, कहते कि ना डैडी ना वो मम्मी बिल्कुल ठीक है रही, मम्मी है ना मम्मी. और सब वो जो फिर ना दोनों ना नर्वस स्माइल करते हैं और फिर ना वहाँ से ना भाग जाते हैं. तो फिर जो तेना तो उनकी तरफ देखते हैं और फिर जो जिना तो वो ना बिल्कुल उसके करीब झुकते रखे थे बेबी बॉय. बस बस 4 मंथ्स की बात है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा, तुम सिर्फ ये प्रेगनेंसी की वजह से बचे हो. ये बोलता और उसकी ना बाइट पे उसकी ना नेक पे एक टाइट बाइट कर लेता. और जो नामचुन तो बिल्कुल ना उसके सामने आके बैठता है, उसको कॉच पे आके बैठता है, उसको ना अपनी लैप पे खींच लेता, उसको ना नेक पे ना बाइट करना स्टार्ट कर देता. और जो तेना तो वो ना मौन कर रहा था और उसकी मौन अचानक से रुक जाती, बिकॉज जंको जमीन आ जो जितना वो उसको ऊपर से किस करने लग गया था. और यहीं बना ये दोनों तीनों एक दूसरे को है बोलते आई लव यू वाइफी, और वो ना वो बोलते हैं आई लव यू हस्बैंड्स. उसे मदर पीछे से आवाज आती है वी लव यू मदर फादर मदर फादर्स. उस दर बोलते और फिर देखा ना क्यूट ये एंडिंग हो जाती है. आपको अच्छी लगी, टाटा बाय बाय.